देखो, सनातन शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जो सदैव है, जिसका न अंत है न प्रारंभ है, उसको ही सनातन कहा जाता है। इसलिए उनके नाश करने के लिए किसी को प्रयास करने की दुष्टता नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानिकारक बातें करने से खुद का ही नुकसान हो रहा है, ये राष्ट्र का गौरव है। विश्व कल्याण के लिए अगर कोई मार्ग है तो वो सनातन धर्म का ही मार्ग है। ये दुनिया वाले अब स्वीकृत कर रहे हैं, दुनिया आज योग को मान रही है, दुनिया आज आयुर्वेद को मान रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हताशा और निराशा के कारण ऐसे स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं, और ऐसे लोगों से देश को बचना चाहिए और इन लोगों को इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए। ये इसीलिए देशवासियों को भी अच्छी तरह से पता चल रहा है कौन कहाँ है और क्या कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति के सामने रावण के कालखंड से ही ये सारा हो रहा है, अभी भी हो रहे हैं। जैसे राम का वंश चालू है, ऐसे रावण का वंश भी चालू होगा। नौ परसेंट कितना असर पड़ेगा?